सिप्रा की खिदमत में हाजिर हुआ था एडिशनल सेशन जज साहब के पास, मेरी पेशी थी 9 मई के केस के सिलसिले में। मेरे वकील जनाब अली बुखारी साहब आर्गुमेंट्स के लिए तैयार थे। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो मुझे थोड़े से कंफ्यूज दिखाई दिए। बहरहाल कल की तारीख पड़ गई है और कल इंशाल्लाह मैं हाजिर हो जाऊंगा जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में और मेरे वकील जो हैं वो अपने आर्गुमेंट्स कर देंगे इंशाल्लाह। बड़ा वाजिदा केस है और इंशाल्लाह हम उसको आज भी कर देंगे। आज मैं 2 मौजूदात पर आपसे बात करना चाहता हूँ। एक, जो अफसोसनाक सानिया कश्ती डूबने का हुआ उसमें तकरीबन 300 पाकिस्तानियों की हलाकत की तादाद आ चुकी है। हो सकता है कि नंबर उसमें बढ़ जाए, अल्लाह ना करे, हो सकता है नंबर बढ़ जाए। और वजीर आजम ने आज पूरे मुल्क में शोक का ऐलान किया, दुरुस्त किया। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जिन्होंने एजेंट्स ने यह गैर जिम्मेदाराना हरकत की, मुनासिब है, होनी चाहिए। लेकिन ये लॉन्ग टर्म मेजर्स है। इमीजिएट जो कंसर्न है वो 300 घरानों की वो है कि वो ला इल्म है, उन्हें मालूम नहीं, कैफियत हालात से बेखबर हैं। आप अंदाजा लगाइए कि आपके घर में सफ़े मातम हो, बीवी बच्चों को मालूम ही ना हो, इतना ही ना मिल सके कि आपका जो अजीज है, आपका जो चाहने वाला है वो जिंदा भी है कि नहीं, वो किस हालत पे है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हमारे मिशन हैं, पोर्ट ऑफिस के तर्जमान ने बात की है, काफ़ी है, मैं मतलब नहीं हूँ। मुझे याद है कि एज फॉरन मिनिस्टर मैंने फॉरन ऑफिस में एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल बनाया था। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यह था कि इस किस्म के वाकयात से 24/7 आप मामलात पर नजर रखें, आप अपने मिशन से रابطے में रहें और आप लवाहिकीन को, मुतासरीन को बाखबर रखें। आज 3 दिन हो गए, तड़प रहे हैं लोग, फॉरन ऑफिस की खामोशी है, नहीं बता सकते फैक्ट्स क्या हैं। ये एक बहुत तर्बनाक बात है। मैं समझता हूं कि वो जो क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर हमने बनाया था, मैं पूछना चाहता हूं फॉरन ऑफिस से वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं मीडिया से कहता हूं आप जाके विजिट कीजिए, आप जाके देखिए जो मैंने बनाया था वो आज चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर चल रहा है तो उसने रिपोर्ट पेश की है कि नहीं की? अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? अगर नहीं चल रहा, बंद हो गया, तो क्यों बंद किया गया? आपको याद है कि हमने स्ट्रैंडेड पाकिस्तानियों को इतनी बड़ी तादाद में हमने एवैक्यूएट किया था। इस क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर ने बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। आज खामोशी तारी है, सख्ता तारी है और लोग बेखबर हैं। मैं समझता हूं कि फॉरन ऑफिस को फौरन इस पर कौम को मुतलाह करना चाहिए। बैसीत पाकिस्तानी के, बैसीत पार्लियामेंटेरियन के मेरा ये मुतालबा है, इट इज माई राइट टू नो कि क्या हो रहा है, अगर कुछ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो एक बात तो ये है, उनके जो लवाहिकीन हैं उनसे मैं इजहार हमदर्दी भी करना चाहूंगा। और हमें बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है जिस अंदाज में ये शहादतें हुई हैं, गर्मनाक कहानियां सामने आ रही हैं। गार्डियन की स्टोरी आपकी नजर से गुजरी होगी, कुछ लोग तो प्यासे प्यासे मर गए। डूबने की बात तो बातें आती है, 3 दिन उस जहाज का इंजन खराब, कोई क्या नहीं, कोई किसी ने उसकी अभी तक तहकीक नहीं की, व्हाट वेंट रॉन्ग, कैपेसिटी क्या थी, कितनों को लोड किया गया, कौन जिम्मेदार है। ये सब चीजें हैं कि मसला इंसानियत का है, इंसानों की जानों का है। एक दूसरा नुकता जिस पर बात करना चाहूंगा वो मेरी फुटेज आपके पास मौजूद होगी, मीडिया इस बात की गवाही देगा, मेरे टॉक शोज भी मौजूद हैं, मेरी फुटेज भी मौजूद है जिसमें मैंने बारहा कहा ये पीडीएम का इत्तेहाद गैर फितरी इत्तेहाद है।
ये देर पा नहीं है, जरा इन्वेस्टिगेट कीजिए। मेरी फोटो निकालिए, माजी की निकालिए, तकरीबन एक साल पहले की निकालिए। मैंने कहा था ये एक अरेंजमेंट है, ये गैर फितरी इत्तेहाद है, ये बिखर जाएगा। और आपने कल देखा उसकी शुरुआत हो चुकी है, वो बिखर रहा है। अब आप देखिए कि स्वात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी शिकायत की, सिंध में जो फ्लड का तूफान आया, जो पानी आया, जो तबाही हुई, और उनका जो मुतालबा था कि हमें मुनासिब एलोकेशन नहीं कीजिए, उनका गिना वहां की हुकूमत से, और उनका गिना मेरी नजर में दुरुस्त है, क्योंकि मुझे इल्म है कि सिंध में कितनी तबाही हुई है, मेरा सिंध से ताल्लुक है, मैं जानता हूं कि वहां का कैफियत है। और अगर उनको वसाइल के बावजूद तस्लीम नहीं किया तो आपके गुजरा ने, पीपल्स पार्टी के गुजरा ने उस पर इसरार क्यों नहीं किया? एक दूसरी बात, आज मैं देख रहा हूं कि सरकारी गुजरा आजाद कश्मीर के इलेक्शन पर, जब हालिया जमीन इलेक्शन हुआ है, उस पर अपने एतराजात उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठप्पे लगाए गए। इंटीरियर मिनिस्टर का बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि कायला साहब को क्यूज कर रहे हैं, वो मेरे पास आए, मुझे यकीन दिलाया कि ठप्पे नहीं लगेंगे, रेंजर्स की तैनाती की जरूरत नहीं है, और मैंने इनकी बात तस्लीम की। लेकिन वहां जो कुछ हुआ उससे हम मुतमईन नहीं है, यानी कि वो पीपल्स पार्टी पर आजाद कश्मीर के जिमनी इलेक्शन की धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। कराची का इलेक्शन, मेयर का इलेक्शन, सवाल उठता यह है कि अगर आजाद कश्मीर के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने आपके साथ ज्यादती की, मुस्लिम लीग नून के साथ ज्यादती की, तो सवाल यह उठता है कि फिर कराची के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने 14 वोट पीपल्स पार्टी के मेयर के कैंडिडेट मुर्तजा वहाब साहब को क्यों दिए? सवाल है, 14 वोट फिर आपने क्यों दिए? आपने अपना एहतजाज रिकॉर्ड क्यों नहीं करवाया? एक तरफ आप धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं, कराची के मेयर के इलेक्शन पर एतराजात उठा रहे हैं, और फिर वोट भी दे रहे हैं। इसी ये एजादात हैं जो सामने आ रहे हैं। और आज पाकिस्तान का जो शहरी है, पढ़ा लिखा नौजवान है, वो बयानों से, वो तकरीरों से कायल नहीं होगा, वो एक एक बात की तह तक जाता है, वो तहकीक करता है, और अगर मुतमईन नहीं होता तो मुस्तरद करता है, सोशल मीडिया पे मुस्तरद कर देता है, कहता मुझे मंजूर नहीं है, इस आपकी बात में वजन नहीं है, सदाकत नहीं है, सच नहीं है, फरेब है, कौम से धोखा किया जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं जो हमें सामने दिखाई देती हैं। मैं नदीम अफजल चंद साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, मेरे कॉलीग रहे, बड़े बड़े खुल के बात करते हैं, ज़रादार आदमी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे सवाल किया गया, एंकर ने सवाल किया कि ये आपका जो इत्तेहाद है ये कितना देर का है, तो आप फरमाते हैं शायद माह डेढ़ माह चल जाए। सवाल ये है, जब आप जानते हैं कि ये इत्तेहाद गैर फितरी है और इसकी मुद्दत डेढ़ माह है, तो आज खामोशी, आज ये डेढ़ माह का वक्फा क्यों? ये सब चीजें हैं जो अभी तो बजट पे वोटिंग होनी है ना, अभी तो वोटिंग होनी है ना, तो क्यों नहीं पीपल्स पार्टी बजट के वोट देने से पहले इस पर एक फैसला करती? क्यों नहीं मुस्लिम लीग नून एक फैसला करती कि इस इत्तेहाद को रखना है या नहीं रखना? हर हलके में कैंडिडेट तैयार किए जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी उनका हक है, वो अपने कैंडिडेट की तलाश कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून उनका हक है, अपने कैंडिडेट की तलाश कर रहे हैं, यानी कि अमली तौर पर यह इत्तेहाद खत्म हो चुका है। जिसे कहते हैं ना अभी इस कहा जिसे कहते हैं ना फॉर्मल अनाउंसमेंट की ताखीर है, तो फिर क्यों है? अगर प्रिंसिपल पोजीशन है तो उस प्रिंसिपल पोजीशन लेने में फिर ये हीलो हुज्जत की क्यों है? ये पाकिस्तान के लोग सवाल कर रहे हैं।